तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गोभी की फसल को कीटों के अटैक से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जब गोभी की फसल में फूल बनना शुरू होता है तो उस समय बहुत से कीटों का गोभी पर अटैक होता है, और ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण भी गोभी की फसल पर कीटों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें गोभी की फसल में समय रहते कीटों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कीटों का ज़्यादा प्रकोप होने से फसल में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले गोभी में रस चूसक कीट एफिड्स का अटैक होता है, और यह छोटे छोटे कीट होते हैं, और यह कीट एक ही जगह पर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, और यह वहीं से पत्ते का रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्ता मुरझाने लगता है और पत्ता छोटा रह जाता है और पत्ते अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, गोभी में डायमंड बैक मोथ नाम की इल्ली का भी अटैक ज़्यादा होता है, और यह इल्लियाँ फूल के अंदर होती हैं और वहीं से यह फूल को खाते रहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हमें ऐसे कीटनाशक की ज़रूरत होती है जो कि रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट दोनों को एक साथ कंट्रोल करें। और वहीं दोस्तों, आप ये जो गोभी की फसल देख रहे हैं, इसमें दोनों कीटों का अटैक हुआ था, और इस फसल में इस समय एफिड्स, जैसिड्स और इल्लियों का अटैक है। तो इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, मैंने बायर के सोलमोन इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया था, क्योंकि दोस्तों सोलमोन एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, और यह रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइफ्लुथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। और दोस्तों, आजकल के मौसम में बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से भी मैंने सोलमोन का उपयोग किया था, क्योंकि दोस्तों सोलमोन का रेन फास्टनेस 20 मिनट का है, और वहीं अगर इसे स्प्रे करने के बाद अगर 20 मिनट या आधे घंटे एक घंटे तक बारिश नहीं होती है तो हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वहीं बात करें इसके डोज की, तो इसका डोज 8 से 10 ml आप 15 लीटर पानी की टंकी में डाल के उपयोग कर सकते हैं, और एक बार इसे उपयोग करने से हमें इसका रिजल्ट 10 से 11 दिनों तक मिलता है। और भी दोस्तों, आप इसके अलावा भी अन्य इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप डेलीगेट को यूज़ कर सकते हैं। डेलीगेट का रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छा और बहुत दिनों तक अपनी फसल में देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप FMC कंपनी के कोरेजन को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप इमिडाक्लोप्रिड प्लस एम्पलीगो को भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों इंसेक्टिसाइड्स का रिजल्ट हमें अपनी फसलों पर 20 से 25 या फिर 30 दिन तक देखने के लिए मिलता है, और यह एक साथ रस चूसे कीट और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप गोभी की फसल में कीटों को अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।